Good morning, students. Today we will do the chapter number 8 Cell Structure and Function from your science book. In the last previous class, we have discussed some topics of this chapter already. Now we will continue this chapter. So, in this chapter till now, I taught you regarding uh, the shape and size of cell, what is cell, basic definition of cell, discoveries of cell, microscope.

सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आउटर वॉल या आउटर लेयर आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल और प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के बाद जो भी अंदर सारा मटेरियल है उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो चाहे न्यूक्लियस हो या साइटोप्लाज्म हो वो सारा मटेरियल मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म ओके तो आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का जो भी इनर साइड में जो भी कंटेंट है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म दिज आर द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म तो ये दो सेल की स्ट्रक्चर के मेन पार्ट है सो नाउ विल स्टडी वन बाय वन आई थिंक सेल मेम्ब्रेन तो मैंने पिछली बार आपको बता दिया था अब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पहले स्टडी करेंगे प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल सेल के अंदर जितना भी कंटेंट जो एक लिविंग बीइंग को के लिए चाहिए जरूरी होता है ऑल लिविंग मटेरियल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के भी दो मेन पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ठीक है प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी दो मेन पार्ट है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म के सेंटर में जो होता है राउंड कलर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर आपको दिखता है राउंड कलर की राउंड शेप सॉरी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर जो भी मटेरियल है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म तो अगर हमें कहें प्रोटोप्लाज्म दैट प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है और सेंटर में होता है न्यूक्लियस जनरली ये न्यूक्लियस सेंटर में होता है कभी कभी कुछ सेल्स में साइड में भी होता है पर न्यूक्लियस एक अलग ही स्ट्रक्चर नज़र आती है सेल के अंदर अब नाउ विल स्टडी फर्स्ट अबाउट द न्यूक्लियस अब हम पहले न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियस इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल जनरली सेल के सेंटर में होता है मोस्टली एंड इट कंसिस्ट ऑफ इसके अंदर इसके भी चार पार्ट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियो प्लांस न्यूक् लिक और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के सेंटर में होता है जो पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है एंड न्यूक्लियर मटीरियल कुछ न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल मटेरियल होता है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मटेरियल तो अभी वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अब हमें न्यूक्लियस के चारों पार्ट जो मैंने बताया नहीं मैं आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज प्लाज एंड न्यूक्लियर मटीरियल इन चारों के बारे में पढ़ना है फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर की आउटर कवरिंग जो आउटर बाउंड्री वॉल है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे सेल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ऐसी न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो लेयर होती है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करती है दिस मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स इस मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं पोर्स मतलब छेद होते हैं जिसकी जो अलाउ करते हैं मटेरियल्स को न्यूक्लियस के अंदर आने में और उनको बाहर जाने में ठीक है नेक्स्ट है न्यूक्लियो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड मटेरियल इसे साइल के अंदर का साइटो था तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है न्यूक्लियो प्लाज मतलब लिक्विड जो अंदर प्रजेंट है नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस एक स्मॉल ओवल बॉडी ओवल शेप की बॉडी होती है स्मॉल जिसके अंदर मेनली प्रोटीन होता है और आर एन ए आर एन ए एक जेनेटिक मटीरियल होता है जिसके बारे में आप फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे और यहाँ पे मेनली राइबोसोम्स बनते हैं ठीक है राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं तो मेनली सेल और सॉरी राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस से बनते हैं <coughs> तो न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर ही एक पार्ट है जिस नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मैंने बता दिया अभी आपको सॉरी नाउ विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियर मटीरियल मटीरियल क्या है? के के होता है न्यूक्लियर मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल जेनेटिक मटीरियल होता है जेनेटिक मटीरियल मतलब वो मटीरियल जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है थ्रू द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डी एन ए जे एनेंटिक मटेरियल डी एन ए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन के सेगमेंट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं जीन्स डी एन ए के बने हुए प्रोटीन के कुछ सेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट होते हैं इन्हें बोलते मतलब तो हैं जीन ये जीन हमारे हेरिटरी यूनिट्स की तरह काम करते हैं हेरीडिटरी यूनिट्स मीन्स जो जीन्स जो कलेक्टर्स को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं का बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे कि हमारे जो फीचर्स होते हैं फिज़िकल फीचर्स लाइक आइज़ का कलर हमारे हेयर्स का कलर हमारे हेयर्स की जो कई कई लोगों के हेयर्स सिल्क पूरे पूरे सिल्क होते थोड़े से स्मूथ होते हैं कई कर्ली होते हैं स्ट्रेट होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उनके फिजिकल करेक्टर सबका अलग अलग क्यों होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग अलग होते हैं तो पेरेंट्स से और ऑफ स्पिनिंग मतलब उनके बच्चों तक चिल्ड्रन तक जो ट्रांस करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं बाय डीएनए या जिन्हें जीन्स डी के पार्ट होते हैं जीन्स उन जीन्स के थ्रू पास होते हैं ठीक है तो वो जीन्स ही हमारे फिजिकल अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं इसीलिए ऐसा होता है कि मोस्टली बच्चों के जो फीचर्स होते हैं फिजिकल फीचर्स वो कुछ कुछ अपने पेरेंट्स से मिलते हैं नाउ हेयर यू कैन सी देखो नीचे मैंने येलो कलर के एक धागे बने हुए हैं ये धागे होते हैं क्रोमोजोम्स और क्रोमोसोम के साथ में ही होते हैं जीन्स क्रोमोसोम जब खुल जाते हैं तो वो ये तो क्रोमेटेड होता है जो धागे कंटिवा एक साथ इकट्ठे गुच्छे बंच के फॉर्म में होते हैं जब ये धागे अलग अलग हो जाते हैं क्रोमेटेड अलग अलग तो इन्हें बोलते हैं क्रोमोजोम और एक क्रोमोजोम पर बहुत सारे जीन्स प्रजेंट होते हैं और ये जीन्स हमारे फिजिकल फीचर्स को डिसाइड करते हैं अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस से क्या क्या फंक्शन होते हैं फर्स्ट फंक्शन इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल सेल साइकिल मतलब सेल के अंदर जब तो सेल डिवाइड होती है तो सेल साइकिल बोलते हैं उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं तो इट कंट्रोल्स द सेल साइकिल नेक्स्ट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है या सर्कुलेशन या डाइजेशन दीज ऑल आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ द सेल मतलब जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं ना कंट्रोलर ऐसे ही इस सेल के भी एक तरह से प्रिंसिपल कौन है न्यूक्लियस नेक्स्ट है जीन्स जो होते हैं मैंने बताया जीन्स से उसमें हेल्प करते हैं ट्रांसफर द करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ गया आपको न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूरी हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एक तरीके से ठीक है तो न्यूक्लियस के जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़रूर याद कर लीजिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज साइटोप्लाज साइटोप्लाज लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल जितना भी सेल का लिक्विड मटेरियल है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स मीन्स सेल के अंदर भी कुछ छोटी छोटी जरूरी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी जो हमारी जो सारे ज़रूरी काम होते हैं जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उन सबको करने के लिए चाहिए दैट इज सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर भी कुछ स्पेशल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं टू मेक अस लिविंग जो हम हमारी जीने के लिए लिविंग के लिए जो भी जरूरी फंक्शन होते हैं वो सब ये सब ऑर्गेनल्स मिल करते हैं सो सेल के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी बॉडीज दे कॉल सेल ऑर्गेनस तो नाउ आई विल डिस्कस यू फर्स्ट द अबाउट सम सेल ऑर्गेनस वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपेटस लाइसोसोम्स इसके अलावा प्लास्टिड्स, माइट्रोकोंड्रिया और लाइसोसोम्स uh, बहुत सारे और भी होते हैं चार यहाँ पे नाम लिखे हैं इसके अलावा और भी होते हैं ठीक है आप जो नोट कर सकते हैं माइट्रोकोंड्रिया माइट्रोकोंड्रिया बोला मैंने इसके अलावा और मैंने लाइसोसोम्स का लिखा हुआ है इसमें और मैंने कौन सा बोला इसके अलावा गोलजी बॉडीज गोल्जी बॉडीज भी लिखा हुआ है यहाँ पे अब मैं आपको हाँ प्लास्टिक्स अब मैं आपको पहले प्लास्टिड्स के बारे में बता रही हूँ प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं ये ओनली देयर ओनली इन प्लांट सेल ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रजेंट होते हैं और ये मेनली तीन टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स भी ल्यूकोप्लास क्रोमोप्लास एंड क्लोरोप्लास ल्यूकोप्लास कलरलेस होते हैं क्रोमोप्लास कलरफुल होते हैं बहुत कलरफुल एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं ठीक so है तो आर थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड्स ल्यूको क्रोमो एंड क्लोरो प्लास्ट स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं अब मैं आपको इन तीनों के फंक्शन बताऊंगी जो ल्यूक्योप्लास्ट है फर्स्ट ल्यूक्योप्लास्ट जो कलर है उसका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना और क्लोरोप्लास्ट जो सबसे क्लोरोप्लास्ट आप, आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेबरिन ऑर्गे देखो इस तरह से डायग्राम दिख रहा है ऐसे होता है ओवल शेप का इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं और मैट्रिक्स कुछ भरा होता है लिक्विड टाइप और इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो क्या परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है हम पढ़ते हैं ना कि प्लांट्स ओनली कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय क्लोरोफिल पिगमेंट तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ होता है दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल नाउ फंक्शंस ऑफ प्लास्टेड फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसेंथसिस सेकेंड लूक्योप्लास हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं और थर्ड होते हैं क्लोरो क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कलर देते हैं जैसे कि कुछ फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल कलर के होते हैं तो दैट कलर इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट ऑनली और क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करने की पावर रखता है दैट्स वाई नाउ नेक्स्ट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया नाउ माइट्रोकॉन्ड्रियाम माइट्रोकॉन्ड्रिया रोड शेप रोड मतलब एक लंबी रोड की तरह शेप होती है एंड इट हैज डबल मेम्ब्रेन ये भी डबल मेम्ब्रेन देखो एक मैंने क्रोमो एक मैंने अभी प्लास्टिक में भी बोला था डबल मेम्ब्रेन और माइट्रोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है डबल मेम्ब्रेन सारे सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन नहीं होते कुछ सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन उनके चारों दो मेम्ब्रेन होती हैं और कुछ सेल ऑर्गन सिंगल मेम्ब्रेन उनके चारों सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इसकी आउटर मेम्ब्रेन पोरस मतलब उसमें छेद होते हैं मतलब इसके बाहर और अंदर पार्टिकल्स आ सकते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है जिसे बोलते हैं क्रिस्टी जिस पे स्मॉल बॉडीज होती हैं ऑक्जिसोम माइट्रोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है हाँ एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं सारी बॉडी जितने भी काम हो रहे हैं उन सब के लिए एनर्जी चाहिए हमें तो एनर्जी हमें किस कॉन प्रोवाइड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना दैट्स दट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डी और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है डी अपना खुद का अलग से होता है माइट्रोकोंड्रिया डी एक तो न्यूक्लियस में होता है एक माइट्रोकॉन्ट्रिया uh, में और एक होता है यानी क्लोरोप्लास्ट में स्पेशली इन तीनों में डीएनए होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोकॉन्ट्रिया पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियस जो अलग ही स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेल में उसके बाद पहला ऑर्गिनल पढ़ा प्लास्टिक जिसमें मेन है क्लोरोप्लास्ट सेकेंड ऑर्गिनल हमने भी पढ़ा माइट्रोकॉन्ट्रिया विच इज द मेन पावर हाउस ऑफ द सेल सारी पावर यहीं से मिलती है ठीक है दस वट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल नेक्स्ट है वैक्ट्रोल वैक्यूल भी एक सेल ऑर्गेनल है ये मोनली प्लांट्स और सेल्स में ज़्यादा होता है और बड़ी शेप बड़े साइज का होता है एनिमल सेल्स में ये छोटे छोटे होते हैं ठीक है स्मॉल साइज के आइधर ये हो सकता है एनिमल सेल्स एबसेंट भी हो सकते हैं और अगर होते हैं तो स्मॉल साइज के होते हैं ठीक है एंड दे आर फुल फिल्ड मैमब्रेन ये सॉरी फ्लूड फिल्ड मैम इनकी मैमब्रेन जो होती है वो भी एक फ्लूट से भरी होती है और इसके इसको पूरे को बोलते हैं वैक्यूल अब इसका मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल का वैक्यूल प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब एक टाइट करता है है सेल सेल को सेल को टाइटनेस देता एंड दे स्टोर देख इसके अंदर मेनली सारा फूड स्टोर जो भी फूड बनता है सेल्स के अंदर वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है ठीक है दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल वैक्यूल की जो आउटर लेयर होती है ना इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट मैंने बताया ना इसके अंदर फ्लूइड होता है इस पूरी लेयर को क्या बोलते हैं टोनोप्लास्ट द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस गोल्जी एप्रेटस होता है स्टैक्ड मेम्ब्रेन, स्टैक सॉरी स्टैक्ड मेम्ब्रेन मतलब इनकी फ्लैट या फिर फ्लैट शेप के होते हैं या क्रिस्टी मतलब फोल्डेड शेप के होते हैं और इनके अंदर या फिर कुछ वेसाइकल मतलब वेसाइकल होते हैं स्मॉल स्मॉल सर्कुलर शेप इस तरह के इसमें होते हैं स्ट्रक्चर इसे आप देखिए डायग्राम में इस तरह के गोल्जी एपरेटस दिखता है मतलब तो बहुत सारी फोल्डेड शेप में स्ट्रक्चर्स uh, हैं एक के नीचे एक प्लांट सेल में इन्हें बोलते हैं डिक्टियोसोम और एनिमल सेल में क्या बोलते हैं गोल्जी एपरेटस तो दिस इज आल्सो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल डोसोम बोलते हैं इसको प्लांट सेल में और एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस इनका मेन फंक्शन क्या होता है इनका मेन फंक्शन होता है द सक्रीट पैकेज एंड डिस्पैच द सेल सिक्रीशन जितनी भी सेल में चीजें बन रही है कोई भी नई चीज़ें बन रही हैं उनको पैकिंग करना आगे डिस्पैच करना और उनको मतलब एक पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम कौन करता है सेल गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर जैसे हमारे भी कोई कोई प्रोडक्शन होता है किसी कंपनी में तो वहाँ जो भी सामान बनता है वो उसकी पैकिंग यूनिट अलग होती है प्रोडक्शन यूनिट अलग होती है तो पैकिंग यूनिट का काम क्या होता है कि जो पैकिंग का यूनिट काम के होता पैक करना और डिस्पैच करना तो ऐसे ही सेल के अंदर भी जो मटेरियल्स बन रहे हैं उनको पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम किसका होता है गोल्जी एपरेटस नाउ द नेक्स्ट सेल और दैट इज लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स भी सेल ऑर्गिनल होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं गोल्जी एपेटिस भी सिंगल मेंब्रेन होती है चारों और लाइसोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है ओर। इस लाइसोसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जितने भी सेल के अंदर कोई भी वेस्ट होता है वो सब डाइजेस्ट करने की पावर कौन रखता है लाइसोसोम्स क्योंकि लाइसोसोम में स्पेशल पावरफुल एंजाइम्स होते हैं तो दे कैन डाइजेस्ट एनी मटेरियल तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सेल में जो भी काम का नहीं है उसे क्लीन करना डाइजेस्ट करके क्लीन करना मेन फंक्शन है दे, दे डिस्ट्रॉय द फॉरन मेटर कोई फॉरेन मतलब बाहर से आने वाला कोई हमारी सेल में मान लीजिए कोई मटेरियल अंदर एंटर कर गया बाहर से और वो मटेरियल हमारी सेल के काम का नहीं इट इज हार्मफुल फॉर द सेल तो ये लाइसोसोम क्या करेंगे उसको डाइजेस्ट खत्म कर देंगे एंड आल्सो दे रिमूव द वॉर्न आउट सेल जो सेल्स खराब हो चुकी होती हैं उन्हें भी ये खत्म कर डाइजेस्ट दे, कर देते हैं एंड दे एक्ट ए सुसाइडल बैग इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल इट गेट डैमेज अगर मान लीजिए लाइसोसोम जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सेल ही खराब हो जाए डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम में इतनी पावर होती है कि वो अपनी खुद की सेल जिसके अंदर वो है उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है ईट अप कर लेते है। why, so, side, side का मतलब क्या होता है अपने आप को मारना तो ये अपनी ही सेल को मार रहे हैं जिसके अंदर ये है बेसिक डिफरेंस यू कैन सी बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम ये डायग्राम जो है इसको मैं पीडीएफ डी फॉर्म में शेयर करूँगी क्लियर पिक्चर ऑफ़ सेल एनिमल सेल ये आपको ड्रॉ करना है अपने साइंस के नोट्स में मैं श्योर आपको ये डायग्राम ड्रॉ सेंड करूँगी इन अ क्लियर फॉर्म तो अब आप मैं आपको इन दोनों के मैं डिफरेंस बताऊँगी देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस पता है आपको तो प्लांट सेल की आउटर लेयर जो होती है थोड़ी थिक होती है जैसे बोलते हैं सेल वॉल और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती दूसरा प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते ठीक है और कुछ बहुत सारी चीज़ें सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन होती हैं बट कुछ उसमें डिफरेंस भी होते हैं सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बहुत ऑफ दैम इन टेबुलर फॉर्म फर्स्ट देखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट एंड एनिमल सेल प्लास्टिड्स आर एब्सेंट प्लांट सेल वैक्यूल्स आर बिगर इन साइज

अब मैं इस चैप्टर के आपके साथ कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ अभी तीन क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है अभी इसके बारे में हम पढ़ा पढ़ चुके हैं अभी फर्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस प्रोवाइड एनर्जी गोल्जी बॉडी इट पैकेजेस डिस्पैचेज द सेलुलर सिक्रीशन्स राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज थ्री ऑर्गेनल्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज जीन एंड फंक्शन जीन क्या होता है जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन फॉर ट्रांसफर ऑफ हेडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम्स के ऊपर क्रोमोजोम्स जो होते हैं डी एन ए के बने होते हैं तो जीन्स आर द इन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट है वॉट इज साइटोप्लांत साइटोप्लान इज जेली लाइक सबिस्टेंस जेली मतलब थोड़ा सेमी लिक्विड होता है गाढ़ा लिक्विड एंड प्रेजेंट विद न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन्स ऑर्गेनल और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर चैप्टर कम्प्लीट हो गया मैं इस चैप्टर के की वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर आपको शेयर कर दूंगी थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे